मैं प्रिया हूँ। प्रिया जी, क्या आप आज माँ के दरबार में आई हुई हैं और आप गुड़गांव से आई हैं, क्या वजह रही कि आप इतनी दूर गुड़गांव से माँ के दर्शन के लिए आप मुंबई पहुँची हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि माँ की कृपा के बिना कोई उनके दर्शन या उनके द्वार तक नहीं आ सकता, तो ये उनकी असीम कृपा की हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे 18 ईयर हो जाएंगे देवमर जी के सेवा में। तो पहली बार वो कौन सा दिन या कौन सा समय था जब आप माँ का आपने दर्शन किया था, और फर्स्ट टाइम माँ के दर्शन के बाद ऐसा क्या आपको लगा कि आप इतने लंबे समय से माँ के दर्शन अभी भी आप करती आ रही हैं? मेरे इन लॉज देवमा जी के बहुत सालों से सेवा में है, लेकिन मैंने जब मेरी आफ्टर मैरिज मैंने उनके घर में देवमा जी का स्वरूप देखा तो मेरे मन में होता था कि ये कौन है, इनको यहाँ मंदिर में स्थान दिया हुआ है। तो मैं इनको पूछती रहती थी कि आप जब भी आप जाओगे तो मुझे भी दर्शन करवाना। तो देवमा की कृपा हुई तो हम लोग गुड़गांव से दिल्ली देवमा जी आए हुए थे बॉम्बे से, तो हम लोग गुड़गांव से दर्शन करने के लिए गए। वहाँ हमें थोड़ी देर नीचे रुकने को बोला कि अभी देवमा जी आपको बुलाएंगे ऊपर, तो फिर आप दर्शन करिएगा। तो मैं काफ़ी देर नीचे वेट करती रही। मेरे इन लॉज जो देवमा जी से पहले से उनकी शरण में थे वो लोग ऊपर थे, और मेरे मन में आ रहा था कि मैं क्यों, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे नीचे क्यों बिठाया। तो मुझे बाद में पता चला कि देवमा जी उस टाइम भी ज्योत रूप में होते और उनकी सब पे नज़र होती है, वो मेरी शायद परीक्षा ले रहे थे। थोड़ी देर बाद देवमा जी ने मुझे ऊपर बुलाया, जैसे मैंने उनके दर्शन किए तो मुझे लगा ये जैसे एक देवी रूप होता है, पूरा दुल्हन रूप में देवमा जी विराजमान थे और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उसी क्षण मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे अंदर से कोई खींच फील हुई, मतलब उसको मैं फील कर सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे ऐसे लगा जिसको मैं इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ चाहिए, वो आज मुझे सामने है। बस वो क्षण था, उसके बाद देवमा जी के चरणों में स्थान मिला, बहुत कृपा है। तो माँ के चरणों में स्थान के पहले और माँ के चरणों में स्नान पाने आने के बाद क्या कुछ बदला आपकी जिंदगी में कहा जाए तो कितना बदलाव आया? देवमा जी की शरण में आने के बाद लाइफ को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। जो हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो अपने आप हमारे पीछे पीछे आती हैं, तो उसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता। बस देवमा जी की कृपा है, कुछ भी ऐसा हो जो हमें लगता है कि हर कैसे होगा, वो बस देवमा जी का ध्यान करते हैं और कहते हैं देवमा जी आप जो आपको हमारे लिए सही लगता है आप उसमें हमें उसी रास्ते पे ले जाए, और आप यकीन करो हमें कुछ नहीं करना पड़ता और अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। माँ का संदेश क्या है, क्या संदेश देते हैं? माँ का संदेश है कि अपने से छोटों को प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो और कभी भी किसी का मन नहीं दिखाओ, क्योंकि देवमा जी हर मन में विराजमान है। ये सारी संसारी जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जब देवमा जी के दर्शन होते हो तो ऐसे लगता है सब संपूर्ण है।